जम्मू कश्मीर स्टेट बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, डोगरा स्टेट बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर गो बैक, गो बैक, गो बैक, लेफ्टिनेंट गवर्नर गो बैक, गो बैक, गो बैक, लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मो गो बैक, गो बैक, गो बैक, बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार, जेएनके का यूटी स्टेटस वापस लो, वापस लो, वापस लो, लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू गो बैक, गो बैक, गो बैक, लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू गो बैक, गो बैक, गो बैक, वापस जाओ, लेफ्टिनेंट गवर्नर वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, हिटलर राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, हिंदुस्तान की आवाज जिंदाबाद, 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 जेएनके का यूटी स्टेटस वापस लो, वापस लो, वापस लो, जेएनके स्टेट बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, डोगरा स्टेट, कश्मीर स्टेट बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, लेफ्टिनेंट गवर्नर गो बैक, गो बैक, गो बैक, लेफ्टिनेंट जोरिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, लेफ्टिनेंट गवर्नर गो बैक, गो बैक, गो बैक, तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलर राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा छीन लिया गया है और राज्य का दर्जा घटाकर इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है, जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में आज एक मायूसी है, एक गुस्सा है और इसे यहाँ के लोग एक्सेप्ट करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। हमने स्टेट्स को यूनियन टेरिटरी बनते इतिहास में कभी नहीं देखा। अलबत्ता यूनियन टेरिटरी स्टेट बनती है और जिस तरीके से इसको डाउनग्रेड किया है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक बद्दा मजाक किया है। बीजेपी की सरकार जिस तानाशाही रवैये को यहां चलाने की कोशिश कर रही है और वो ये समझते हैं कि अपनी मनमर्जी से जो भी चाहे कर ले, लोगों को प्रताड़ित किया जाता है अगर वो आवाज उठाते हैं और अथॉरिटेरियन तरीके से निजाम को चलाया जाने जा रहा है, हिटलर नीति चलाई जा रही है, तानाशाही चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसको यहां के लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है, एक ऐसा साम्राज्य था जिसको महाराजा चलाते थे, उसके बाद प्राइम प्रधानमंत्री यहां चलाते थे, सदर रियासत रहे, गवर्नर रहे, लेकिन अब एक एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के आदमी को यहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर जम्मू कश्मीर के आवाम के मुस्तकबिल का फैसला करने का अधिकार एक जूनियर ब्यूरोक्रेट को यहां दे दिया गया है। यह भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही नहीं है तो और क्या है? लोगों की अपेक्षाओं के खिलाफ जाकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से यह फैसला किया है वो हमें हरगिज कबूल नहीं है। ये ना केवल लोगों के साथ एक बद्दा मजाक हुआ है बल्कि महाराजा हरि सिंह जी जिन्होंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया था कि हिंदुस्तान के साथ विलय होगा, क्योंकि वो ये जानते थे कि जम्मू कश्मीर के अवाम के हितों की सुरक्षा हिंदुस्तान के साथ रहकर बेहतर हो सकती है और होती रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से फैसले एक के बाद एक लिए और जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को डिमोट किया है, डाउनग्रेड किया है, उसे यहाँ का आवाम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये लड़ाई रियासत को पूर्ण दर्जा दिलाने के लिए जारी रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के आवाम को आने वाले वक्त में इसका जवाब देना होगा, हिसाब देना होगा।